संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की तो विपक्ष के सांसदों ने अदानी मसले पर जीपीसी की मांग की। राहुल गांधी पर हमले के लिए स्मृति ईरानी ने आज बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला। इस बीच विपक्ष की 18 पार्टियों के सांसद संसद भवन से ईडी दफ्तर तक मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर विजय चौक पर रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। उधर विपक्षी पार्टियों के मार्च में टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार विधानसभा परिसर में लड्डू को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ आरजेडी के बीच जमकर तूतू मैमे हुई। बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के विरोध में सदन के बाहर धरने पर बैठे थे। इसी बीच दिल्ली से लालू और राबड़ी को जमानत मिलने की खबर पटना पहुंची, जिसके बाद एक आरजेडी विधायक ने लड्डू बांटना शुरू किया। लड्डू बीजेपी विधायकों के पास पहुंचा तो अफरा तफरी मच गई। बीजेपी विधायकों ने आरजेडी पर जहरीला लड्डू फेंकने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जल्दबाजी में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के कारण उनकी भूमिका पर कई सवाल खड़े होते हैं। अदालत ने कहा कि सुरक्षा का खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद मामले की सुनवाई सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। मामले में 5 याचिकाएं दायर की गई हैं। पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का मिजाज बदला नजर आ रहा है। उन्होंने पुंछ के नवग्रह मंदिर में पूजा की। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस मंदिर का निर्माण पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने करवाया था। इस बीच महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। मनोज सिन्हा ने आतंकियों को नौकरी को लेकर महबूबा पर पलटवार किया और कहा कि सब जानते हैं कि जिन्हें हटाया गया है उन्हें नौकरी किसने दी थी। इससे पहले महबूबा ने कहा था कि आतंकियों को नौकरी देना हमारी संस्कृति नहीं है। दिल्ली सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को नई पॉलिसी बनाने को कहा है। इससे पहले दिल्ली सरकार पर घोटालों के आरोप लगने और सीबीआई जांच होने के बाद नई पॉलिसी को सितंबर में वापस ले चुकी है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में 570 शराब के रिटेल स्टोर्स हैं और 950 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब के पास शराब परोसने का लाइसेंस है। केरल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों ने स्पीकर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक स्पीकर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मार्शल्स उन्हें जबरन उठाकर सदन से बाहर ले गए। उधर केरल के कई शहरों में यूडीएफ ने विरोध प्रदर्शन किया। कोझिकोड में पीडब्ल्यूडी मंत्री के घर तक विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उमेशपाल हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच के दायरे में 3 नेता भी हैं, जिन्हें अतीक अहमद ने कॉल किया था और मदद की मांग की थी। उधर 20 दिन बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस बीच उमेशपाल की पत्नी और मां ने आज तक से खास बातचीत की और इंसाफ की मांग की। उमेशपाल की मां ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि खून के बदले खून वाला इंसाफ होना चाहिए। उमेशपाल की हत्या के 19 दिन बीत चुके हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास के बाहर कुछ खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इन लोगों ने भारत के इस दूतावास को ही बंद करवा दिया। दुख की बात यह है कि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां की पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही और इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि खालिस्तानी संगठनों के लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन से भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से आई है और इन तस्वीरों में आप वहां इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारतीय दूतावास के बाहर कुछ लोगों को खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं, नारेबाजी करते हुए देख सकते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ये लोग लगा रहे थे और बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों या हजारों लोग नहीं आए थे, बल्कि मुश्किल से, जैसा आप तस्वीरों में देख पाएंगे, 15 से 20 लोग वहां पर मौजूद थे। 15 से 20 लोगों ने वहां भारतीय दूतावास का घेराव कर लिया और इस दौरान इन मुट्ठी भर लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा दबाव बना दिया कि वहां इंडियन कॉन्सुलेट को बंद करना पड़ा सुरक्षा कारणों की वजह से।
इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद ये खालिस्तानी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए और जब ब्रिस्बेन पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई तो उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की और इस मामले में खालिस्तानी समर्थकों से डर कर इंडियन कॉन्सुलेट को बंद करवा दिया गया और फिर बाद में यह कहा गया कि ऐसा करके ब्रिस्बेन की पुलिस भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी। लेकिन आप खुद सोचिए, जब ब्रिस्बेन की पुलिस ने भारतीय दूतावास को बंधक बनाने वाले इन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं तो वो असल में सुरक्षा किसकी कर रही थी। तो ये लोग ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि लेकर रहेंगे खालिस्तान, यानी भारत को तोड़कर रहेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करके रहेंगे। ये घटना एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि अब खालिस्तानी ताकतों ने विदेशों में हिंदू मंदिरों के साथ भारतीय दूतावास को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारों का सीधा मतलब ये है कि खालिस्तानी ताकतें अब खुलेआम भारत को चुनौती दे रही हैं कि वो पंजाब को भारत से अलग कर देगी। हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहां ये घटनाएं हो रही हैं वहां इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये सब कुछ वहां की सरकारें होने दे रही है। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानी ताकतों ने ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास पर हमला किया है। इससे पहले 21 फरवरी को भी यहीं पर कुछ लोगों ने ऐसे ही हमला किया था और भारतीय दूतावास के परिसर में खालिस्तान के झंडे लगा दिए गए थे। उस समय भी ब्रिस्बेन की पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। यहां बात सिर्फ भारतीय दूतावास की नहीं है, खालिस्तानी ताकतें ऑस्ट्रेलिया में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों पर और हिंदू मंदिरों को भी अपना निशाना बना रही हैं। 4 मार्च को वहां एक हिंदू मंदिर में कुछ खालिस्तानियों ने हिंसा की थी। मंदिर के बाहर ये नारे लिख दिए गए और लगा दिए गए कि भारत का पंजाब राज्य खालिस्तान बनकर रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं अब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। हर हफ्ते ही आपको ऐसी कोई ना कोई घटना के बारे में पता चलता है। 12 और 23 जनवरी को भी इसी साल मेलबर्न में और 16 जनवरी को विक्टोरिया में अलग अलग हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था और इन मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी अपशब्द उन्होंने लिख दिए थे और ब्रिस्बेन में तो ऐसी घटनाएं अब लगातार हो रही है। 25 लाख की आबादी वाले ब्रिस्बेन शहर में खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस काफी मजबूत है और यह संगठन वहां खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की काफी कोशिशें कर चुका है। यह वही खालिस्तानी संगठन है जिस पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है और इसी संगठन ने किसान आंदोलन के समय भारत में गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $2.5 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी और इस संगठन की स्थापना अमेरिका में वर्ष 2007 में हुई थी और आज यह संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है और ये वही संगठन है जिसने अब एक नई धमकी दी है कि भारत में जब G20 समिट होगा तो उस समिट के दौरान ये दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास खालिस्तान के झंडे लहराएंगे ताकि उस समय भारत में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे G20 समिट में भाग लेने के लिए, उन्हें खालिस्तान के झंडे लहराते हुए दिल्ली में दिखाई देंगे। लेकिन सोचिए, वो सारे देश ये हैं जो खुद को शांति और लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं और इन देशों में खालिस्तानी ताकतों को कैसे शरण मिल रही है और इन पर वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2.5 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लगभग 8 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोग सिख समुदाय के हैं। लेकिन आज हम सिख समुदाय से भी ये पूछना चाहते हैं कि वहां जो 2 लाख लोग रहते हैं, क्या वो सारे ही खालिस्तान के समर्थक हैं? भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि पंजाब भारत से अलग हो जाए? हमें लगता है ऐसा नहीं है। ज्यादातर सिख समुदाय के लोग आज भी भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, पंजाब में रहना चाहते हैं और मानते हैं कि पंजाब भारत का ही हिस्सा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं
जो पंजाब को भारत से काटना चाहते हैं, और इन मुट्ठी भर लोगों को पाकिस्तान से मदद मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मिलती है, और हो सकता है कुछ और देश भी पीछे से इनकी मदद कर रहे हों, वो देश जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी जब भारत के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही आए थे, तो हमारे देश की सरकार ने और हमारे देश के लोगों ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया था, उनका बड़ा आदर सत्कार किया था। आपने होली खेलते हुए उनकी तस्वीरें देखी होंगी, और हमने अपनी मेहमान नवाजी में किसी भी प्रकार की कोई कमी इनके लिए छोड़ी नहीं थी जब ये भारत आए थे। लेकिन आज जब ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी ताकतें भारत को कमजोर करने की साजिश कर रही हैं, तो उनकी सरकार और उनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और यह बड़े दुख की बात है। 10 मार्च को जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके सामने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई थी, पीठ पीछे बात नहीं की थी, उनके सामने उन्होंने कहा था, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इस पर आश्वासन दिया था कि वो इन तमाम हमलों की जांच करवाएंगे और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया में फिर से ऐसी घटना हो गई जिसमें वहां की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। दुख की बात है कि इन देशों के प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, आश्वासन देकर जाते हैं, और फिर वापस जाने के बाद अपने इन वादों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से और सरकार से ही कहना चाहेंगे कि जो सिक्स फॉर जस्टिस जैसी जो संस्थाएं हैं, इनको तुरंत प्रतिबंध इन पर उन्हें लगाना चाहिए, और ऐसे लोगों पर उन्हें काबू पाना ही होगा जल्दी से जल्दी। खालिस्तानी पंजाब को भारत से अलग कर देना चाहते हैं। भारत को तोड़ने की एक और बहुत गहरी साजिश हमारे ही देश में हो रही है, जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, और ये षड्यंत्र है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा करने का षड्यंत्र। और आज हम इस षड्यंत्र के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जो ये कहता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग हैं। भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली इस कोशिश का सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हाल ही के ऑस्कर अवार्ड्स। असल में पिछले 93 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत की दो मेड इन इंडिया फिल्मों को इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला है, और ये एक देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारे देश की राजनीति ने इस ऑस्कर अवार्ड को भी नॉर्थ और साउथ इंडिया में बांट दिया है, और ये कहना शुरू कर दिया कुछ दक्षिण भारत के नेताओं ने कि ये ऑस्कर अवार्ड भारत का नहीं बल्कि ये तो दक्षिण भारत का है। ये ऑस्कर अवार्ड उत्तर भारत ने नहीं दिलवाया भारत को, बल्कि ये दक्षिण भारत ने दिलवाया है, जैसे कि दक्षिण भारत भारत का हिस्सा ना हो। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बाकायदा इस पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली दोनों फिल्में दक्षिण भारत की हैं, और क्योंकि वो खुद भी दक्षिण भारत से आते हैं इसलिए उन्हें इस उपलब्धि पर बड़ा गर्व है। आप खुद सुनिए कि जो दक्षिण भारत से नेता आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, वो कैसे जरा भी चूकते नहीं जब उन्हें मौका मिलता है ये बताने का कि दक्षिण भारत भारत का हिस्सा नहीं है, ये कोई अलग ही देश है, ये कोई अलग ही गांव है, ये कोई अलग ही आइलैंड है। देखिए आप। सो बोथ मोस्टली दे कम फ्रॉम साउथ इंडिया, इट इज ग्रेट प्राइड फॉर अस, बट आई ओनली माय रिक्वेस्ट इज दैट द रूलिंग पार्टी शुड नॉट टेक क्रेडिट दैट वी हैव डायरेक्टेड, we have written the poem,
Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता के अध्यक्ष हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सोचिए वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों पुरस्कार जो हैं ये दक्षिण भारत ने जीते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि दक्षिण भारत कौन से देश का नाम है, क्या दक्षिण भारत भारत नहीं है? जब उत्तर भारत की कोई फिल्म या उत्तर भारत का कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीतता है तो क्या हम ये कहते हैं कि ये मेडल उत्तर भारत ने दिलवाया है, दक्षिण भारत ने नहीं दिलवाया? हम हमेशा यही कहते हैं कि ये मेडल भारत का है। जब ओलंपिक्स में हम कोई मेडल जीतते हैं, दुनिया के किसी भी मंच पर भारत का कोई भी खिलाड़ी कोई भी कलाकार कोई उपलब्धि हासिल करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये भारत के लिए गर्व की बात है। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों पर या कई बार विदेश भी जाते हैं तो दक्षिण भारतीय परिधान पहनते हैं, दक्षिण भारत के कवियों के लेखकों के नाम पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई जो कविताएं हैं उन्हें बोलते हैं, और अक्सर वो आपको दक्षिण भारत के परिधानों में नजर भी आएंगे अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर पूर्व हो। और आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र में भी जब वो भाषण देने के लिए गए थे तो उन्हें दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े लेखक का एक बहुत बड़े कवि का नाम लिया था, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तो दक्षिण भारत का है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के दक्षिण भारत के परिधानों में नजर आ रहे हैं, और अक्सर वो आपको इस तरह के परिधानों में नजर आते हैं। और यहां बात सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी उस दिन ट्वीट किया जब हमने यह ऑस्कर अवार्ड जीता था, और ट्वीट में लिखा कि नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने से दुनिया में तेलुगु का झंडा गर्व से लहरा रहा है, और उन्होंने इस सफलता को आंध्र प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया। जबकि यह बात सही है कि फिल्म आरआरआर एक तेलुगु भाषा की फिल्म है और तेलुगु भाषा के गाने को ही अवार्ड भी मिला है, लेकिन एक बार आप खुद सोचिए तेलुगु भाषा जिस राज्य की भाषा है क्या वो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? क्या तेलुगु भारत की भाषा नहीं है? लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस उपलब्धि के आधार पर इसको आधार बनाकर हमारे देश को दो भागों में बांटने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये उपलब्धि दक्षिण भारत की है, ना कि पूरे भारत की, ना कि उत्तर भारत के राज्यों की। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिसे आप कुछ और उदाहरणों से आज समझ सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है। आपको याद होगा इसी महीने की 10 तारीख को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति चुना था, और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था, क्योंकि यह हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। चीन हमारा दुश्मन नंबर एक है इस समय, क्योंकि एक देश के तौर पर भारत की नीति यह है कि जब तक चीन LAC पर भारत के पक्ष का सम्मान नहीं करता तब तक हमारा देश चीन के साथ एक दूरी बनाकर रखेगा। लेकिन इस मामले में भी हमारे देश के नेताओं ने भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में बांट कर रख दिया। देश के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को कोई बधाई संदेश नहीं देते, लेकिन केरल की लेफ्ट पार्टियों की सरकार में मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनाराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने 12 मार्च को एक ट्वीट में लिखा कि उन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि चीन वैश्विक राजनीति में एक बड़ी आवाज बनकर उभर रहा है, और वो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई देते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि भारत की विदेश नीति अलग है और केरल की विदेश नीति अलग है। चीन भले ही भारत का दुश्मन नंबर एक हो, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री का और केरल की सरकार का दुश्मन नहीं है, केरल की सरकार का तो दोस्त है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समाज में क्या संदेश जाता है? संदेश यह जाता है कि भारत में एकता नहीं है। भारत में आज भी ये सारे जो राज्य हैं ये बिखरे हुए हैं, इनमें कोई एकता नहीं है। और एकता क्यों नहीं है? क्योंकि इन राज्यों में सरकारें चलाने वाले जो नेता हैं वो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि वो लगातार चुनाव में जीतते रहें। वो लोगों के मन में एक सोच पैदा करना चाहते हैं कि आप भारत का हिस्सा नहीं है। वो एक अलगाववाद की सोच उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं ताकि वहां के लोग भारत के साथ कभी एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट होकर मिलकर चल ही ना पाए। और इसी से इन क्षेत्रीय नेताओं की दुकानें चलती रहेंगी।
सोचिए, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति को कोई शुभकामनाएं, कोई संदेश, कोई बधाई नहीं देते, दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस बात की बड़ी खुशी है कि कम्युनिस्ट नेता शी जिनपिंग को फिर से चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया, और उनका यह ट्वीट बताता है कि वो भारत को किस नजरिए से देखते हैं। वो भारत में उत्तर भारत को अलग मानते हैं, दक्षिण भारत को अलग मानते हैं। और यहां बात सिर्फ केरल के मुख्यमंत्री के इस ट्वीट की नहीं है, कहानी बड़ी लंबी है और बहुत दूर तक जाएगी। आपको याद होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ फेक वीडियोस को यह कहकर फैला दिया गया था, वायरल कर दिया गया था कि तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उनके साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उस समय इन फेक वीडियोस की मदद से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो उत्तर भारत के लोगों का स्वागत नहीं करते अपने राज्यों में। भारत को इन दो हिस्सों में बांटने की साजिश रची गई, लेकिन बाद में जब तमिलनाडु और बिहार की पुलिस ने इन वीडियोस की जांच की तो पता चला कि ये सारे वीडियोस काफी पुराने थे और इनमें जिन लोगों के साथ मारपीट हुई थी उसका कारण ये नहीं था कि ये लोग बिहार से आकर तमिलनाडु में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ नेताओं और तथाकथित पत्रकारों ने भ्रामक जानकारी के साथ इस झूठ को फैलाया और कहा कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होता है, जब कई बार इस तरह के आंदोलन वहां पर चलते हैं और कहा जाता है कि उत्तर भारत से जो लोग मुंबई में या महाराष्ट्र में काम करने के लिए आए हैं उनका यहां पर कोई स्वागत नहीं है। अगर महाराष्ट्र में आए हैं तो मराठी बोलनी पड़ेगी, तमिलनाडु में आए हैं तो तमिल ही बोलनी पड़ेगी, बंगाल में आए हैं तो बांग्ला ही बोलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये नैरेटिव और ये झूठ अब फैलाया नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में 10 मार्च को 4 छात्रों का वहां के सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा हो गया और इसके बाद इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन छात्रों की पिटाई कर दी। ये छात्र केरल के रहने वाले थे, इसलिए केरल के मुख्यमंत्री ने इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मामला बना दिया। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत में केरल के छात्रों के साथ उनकी पहचान के आधार पर भेदभाव और जुल्म हो रहा है और ये रुकना चाहिए। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। उनके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी ट्वीट करके लिखा कि इन छात्रों के साथ ये घटना इसलिए हुई क्योंकि वो केरल से हैं और ये एक तरह का भेदभाव है। लेकिन अब पता चला जब जांच हुई कि इस घटना के पीछे कुछ और ही वजह थी। असल में ये चारों छात्र यूनिवर्सिटी के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की जिद कर रहे थे जहां जाना अलाउड नहीं था, जिस पर इन छात्रों की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहस हो गई जब गार्ड्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की और नौबत मारपीट तक आ गई। यानी ये मामला उत्तर भारत और दक्षिण भारत का था ही नहीं, लेकिन दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने वोटों के लालच में ऐसी राजनीति की जिससे लगता है कि वो दक्षिण भारत को पूरे देश से काटना चाहते हैं। और इसका एक ही कारण है और उस कारण का नाम है वोट। हम वोटों वाली इस राजनीति के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहां कुछ और घटनाओं के बारे में आपको आज पता होना चाहिए। अब जो वीडियो आप देखेंगे ये कर्नाटक का है, जहां हाल ही में एक व्यक्ति ने एक ऑटो रिक्शा वाले से हिंदी में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद इस ऑटो वाले ने कहा कि वो हिंदी में बात नहीं करेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा और उत्तर भारत के जो लोग कर्नाटक आए हैं वो भिखारी हैं और उन्हें यहां से वापस लौट जाना चाहिए, उत्तर भारत के लोगों का यहां स्वागत नहीं है। हिंदी के प्रति, उत्तर भारत के लोगों के प्रति ऐसी नफरत उसी राजनीति का नतीजा है जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेताओं ने वहां के आम लोगों के मन में भर दिया है। सोचिए वो राजनीति आपके दिमाग पर कितना असर करती है। इस ऑटो वाले की बातें सुनिए आज आप। तो देखिए, एक महिला है वो ऑटो रिक्शा में बैठी और ऑटो वाले ने उसे उतरने पर मजबूर कर दिया और कहा कि दिस इज आवर लैंड, ये हमारी भूमि है, ये हमारी धरती है, हमारा इलाका है और यहाँ आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको हमारी भाषा में ही बोलना पड़ेगा। भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने के पीछे एक ऐसी राजनीति है जिसमें बहुत सारे वोट छिपे हुए हैं। दक्षिण भारत का मतलब है भारत के वो 5 राज्य जहाँ द्रविड़ियन लैंग्वेज बोली जाती हैं, द्रविड़ियन भाषाएँ बोली जाती हैं और ये भाषाएँ हैं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम।
और ये 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में भारत के 27 करोड़ लोग रहते हैं और इन राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं, यानी भारत की 24% सीटें दक्षिण भारत के इन राज्यों में हैं, 23% लोकसभा की सीटें। और इन राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, इसलिए यहां उत्तर भारत के प्रति नफरत वाली राजनीति चलती है और इस राजनीति से दक्षिण भारत के नेताओं को वोट ही वोट मिलते हैं। वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं, इन राज्यों के जो लोग हैं, वो कभी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार ना करें, वो कभी भी हिंदी को एक भारत की भाषा के तौर पर स्वीकार ना करें। आज यहां राहुल गांधी की बात करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने भारत को जोड़ने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर तक की थी। आपको याद होगा अभी हाल ही में खत्म हुई है, कन्याकुमारी से उन्होंने शुरू की और श्रीनगर में जाकर खत्म की। लेकिन यह भी सच है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होता है, और इसी के बाद उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। इसलिए राहुल गांधी का यह बयान भी आज आपको सुनना चाहिए, और ये बयान जब आप उनका सुनेंगे इसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच एक खाई पैदा कर रहे हैं। द वे इंडियन वुमेन आर ट्रीटेड लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। आई थिंक साउथ इंडिया इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन नॉर्थ इंडिया ऑन दिस फ्रंट। इट्स ट्रू। तो राहुल गांधी उत्तर भारत में अपनी सीट अमेठी से हार गए और केरल में जो उनकी सीट थी वायनाड, वहां से वो जीत गए। इसलिए अब उन्हें दक्षिण भारत अच्छा लगने लगा, अब उन्हें वहां के लोग अच्छे लगने लगे, इससे पहले उत्तर भारत के लोग अच्छे लगते थे। इसलिए ऐसे नेताओं का कुछ भी स्थायी नहीं है, उनके विचार भी स्थायी नहीं है, वो बदलते रहते हैं, जहां उनका फायदा होता है वैसे बयान वो देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो उत्तर भारत को छोड़कर दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर ये अलगाववाद की राजनीति अब धीरे धीरे बहुत पनप रही है। बंगाल में यही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में यही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, हर जगह आपको, कर्नाटक में आपको इसी तरह का अलगाववाद लोगों के मन में आपको ऐसा लगेगा अब घर करता जा रहा है। और ये एक अच्छी बात नहीं है जब 5 राज्य भारत के जो बड़े बड़े राज्य हैं वो ये समझने लगे हैं कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं? क्या वहाँ के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते? इस बात पर मुझे शंका है कि वहाँ के लोग ऐसा चाहते होंगे। असल में वहाँ के नेताओं ने अपने लोगों के मन में इस बात को डाल दिया है कि उन्हें एक अपनी अलग पहचान, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाकर रखनी है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो रख सकते हैं, लेकिन तब भी एक राष्ट्र को तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे अपने देश के जो नेता हैं, खास तौर पर जो क्षेत्रीय नेता हैं, अगर आप देखेंगे तो वो चुनाव में जीतने के लिए अक्सर इस तरह के अलगाववाद के बीज हमारे देश में लोगों के मन में बोते रहते हैं। और अब पंजाब में भी यही हो रहा है खालिस्तान के नाम पर, कुछ समय पहले तक उत्तर पूर्व में भी यही होता था, कश्मीर में भी यही होता था, जो 5 राज्य अभी हमने आपको बताए वहां पर भी यही होता था। और हर जगह एक ऐसी आपको अलगाववादी जो संगठन है हर राज्य में आपको मिल जाएंगे। आपने देखा होगा नक्सली बीच में इतने मजबूत हो गए थे। ये सारे लोग क्या चाहते हैं? ये सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे अलग अलग इलाके बन जाए, हमारे अलग अलग देश बन जाए, और भारत सरकार का हमारे इलाके में जो इंटरफेरेंस है, दखल अंदाजी जो है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हम अपने इलाके के मालिक बन जाएं, हम जैसा चाहे वैसा कर सकें, हम जितना चाहे पैसा वहां से कमा सकें, जितना चाहे अत्याचार कर सकें, हम अपनी मनमानी कर सकें। और मनमानी वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उन पर भारत का संविधान लागू होता रहेगा, जब तक उनके ऊपर पुलिस बैठी है, जब तक उनके ऊपर सेना बैठी है, जब तक उनके ऊपर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं बैठी हैं, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं बैठी हैं, तब तक मनमानी नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि ये सारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, ये अपने अपने दलों को, अपनी अपनी पार्टियों को बचाने के लिए अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय इलाके में जो लोग हैं, आम जनता, उनके मन में अलगाववाद का बीज डाल दिया जाए। अब हम आपको अमेरिका के उस ड्रोन के बारे में बताएंगे जो रशिया के फाइटर जेट्स के साथ एक संघर्ष में नष्ट होकर ब्लैक सी में डूब गया। यह बहुत ही दिलचस्प खबर है।
अमेरिका के इस ड्रोन को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक ड्रोन माना जाता है और इस ड्रोन की कीमत है 265 करोड़ रुपए, यानी किसी फाइटर जेट की कीमत से भी ज्यादा कीमत है इसकी। लेकिन इतना आधुनिक होने के बावजूद, इतना खतरनाक होने के बावजूद, यह रशिया के फाइटर जेट्स के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए हथियारों के बाजार में इस घटना से अमेरिका की बहुत बदनामी होगी। और खास बात यह है कि अमेरिका से यही ड्रोन भारत ने भी लीज पर लिया है। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि ब्लैक सी में क्रैश होने वाले इस ड्रोन की कहानी में कितना ब्लैक है और कितना व्हाइट है, क्योंकि अमेरिका कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उनका ड्रोन रशिया के फाइटर जेट्स का शिकार हो गया। इसको कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। कुछ दिन पहले से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हमारे देश में लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं नेता, लेकिन इस मामले में अमेरिका भी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं ये पूरी घटना कैसे हुई। तो इस घटना के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं। एक पक्ष वो है जो अमेरिका दुनिया को बता रहा है, जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और दूसरा पक्ष वो है जो रशिया इस घटना के बारे में दुनिया को बता रहा है। अमेरिका का कहना है कि 14 मार्च को सुबह लगभग 7 बजे रशिया के एक फाइटर जेट की उसके एक रीपर ड्रोन के साथ टक्कर हो गई। ये जो ड्रोन है इसका नाम है रीपर ड्रोन, और इसके बाद ये ड्रोन क्रैश हो गया। और अमेरिका का ऐसा आरोप है कि ये जो टक्कर हुई ये सुनियोजित तरीके से की गई, और रशिया का मकसद उसके इस ड्रोन को मार गिराना ही था। इस घटना में जो ड्रोन क्रैश हुआ है वो कोई मामूली ड्रोन नहीं है, ये एक रीपर ड्रोन है जो दिखने में किसी फाइटर जेट के जैसा ही दिखता है, किसी बड़े हवाई जहाज की तरह दिखता है। लेकिन इसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। आप समझ लीजिए ये एक पायलट लेस प्लेन है, मतलब ये कि ये एक अनमैंड यानी मानव रहित ड्रोन है, जिसे स्पाई प्लेन भी कहते हैं, जो जासूसी के काम आता है। और ये पूरी घटना जिस इलाके में हुई है वो इलाका है ब्लैक सी का इलाका। 4,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ब्लैक सी को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसकी तटीय रेखाएं यूक्रेन से भी लगी हुई हैं और रशिया से भी लगी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह काला सागर नेटो देशों की सीमाओं को भी छूता है, और जिस क्रीमिया पर वर्ष 2014 से रशिया का नियंत्रण है वो भी इसी ब्लैक सी से घिरा हुआ है। तो यह ब्लैक सी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जो लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस ब्लैक सी का एक बहुत बड़ा इलाका इंटरनेशनल एयर स्पेस यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में आता है, जहां किसी भी देश के विमान उड़ान भर सकते हैं। और अमेरिका का कहना है कि उसका यह ड्रोन इसी इंटरनेशनल एयर स्पेस में हर बार की तरह अपनी एक नियमित उड़ान पर था, लेकिन इसी दौरान रशिया के दो फाइटर जेट्स ने उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, यानी उसका पीछा करते हुए उसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की। और बाद में रशिया के एक फाइटर जेट ने इस ड्रोन पर पहले ईंधन डाल दिया और उसके काफी करीब से उड़ान भरते हुए उसके प्रोपेलर्स को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। प्रोपेलर रेडिएटिंग ब्लेड से बना एक प्रकार का पंखा होता है, जो इस तरह से इस ड्रोन के पीछे लगा होता है और ये ड्रोन को उड़ने में मदद करता है। आप जो ड्रोन के पिछले हिस्से को देख रहे हैं इसी को प्रोपेलर कहते हैं। और अमेरिका का आरोप है कि रशिया के फाइटर जेट ने इस प्रोपेलर को तोड़ दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जब रशिया के फाइटर जेट्स ने इस ड्रोन के प्रोपेलर को एक तरह से उससे अलग कर दिया तो इस टक्कर में ड्रोन क्रैश हो गया। और अमेरिका का यह भी कहना है कि इस घटना में रशिया के दोनों फाइटर जेट्स लगभग क्रैश होने वाले थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए और अमेरिका का ड्रोन ब्लैक सी में डूब गया। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इस क्रैश के पीछे जो कहानी बता रहा है क्या वो कहानी सही है, क्योंकि इस घटना में अमेरिका का जो ड्रोन क्रैश हुआ वो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक ड्रोन माना जाता है। और ऐसे में अगर कहीं से भी दुनिया को ये संदेश जाता है कि ये ड्रोन एक मामूली से एंगेजमेंट के बाद क्रैश हो गया, तो इससे इस ड्रोन की साख मिट्टी में मिल जाएगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और दुनिया को हथियार बेचने वाले अमेरिका को हथियारों के बाजार में जबरदस्त नुकसान होगा, उसकी छवि खराब हो जाएगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया के जिस फाइटर जेट से इस ड्रोन की टक्कर हुई वो फाइटर जेट इस ड्रोन की तुलना में उतना ना तो खतरनाक था ना ही उतना महंगा था। अमेरिका के इस ड्रोन को MQ-9 रीपर ड्रोन कहते हैं, जिसकी कीमत है $32 मिलियन यानी 265 करोड़ रुपए, जबकि रशिया के जिस सुखोई SU-27 फाइटर जेट से इसकी टक्कर हुई उसकी कीमत है 248 करोड़ रुपए, यानी इस ड्रोन से 17 करोड़ रुपए कम। और यह फाइटर जेट
फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अलावा रशिया के इस फाइटर जेट का विंग स्पैन 48 फीट का होता है, जबकि इस ड्रोन का विंग स्पैन 66 फीट का होता है। जहां एक तरफ यह फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू लैंड मिसाइल्स, रॉकेट्स और बॉम्ब्स को दाग सकता है, वहीं पर यह ड्रोन मानव रहित होते हुए खतरनाक हेल फायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और डंब बॉम्ब्स को दाग सकता है। यानी एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी भी करता है, और इस ड्रोन में बहुत खतरनाक हथियार भी लगे होते हैं, और ये एक फाइटर जेट की तरह ही इन हथियारों को, इन मिसाइल्स को, इन बॉम्ब्स को कहीं भी दाग सकता है। अमेरिका अपने इस ड्रोन का इतना प्रचार प्रसार करता है कि भारत समेत कई देश उससे ये ड्रोन लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ये ड्रोन अब तक सिर्फ नेटो देशों को दिया है, और नेटो देशों के बाहर अगर किसी एक देश को पूरी दुनिया में अमेरिका ने यह ड्रोन दिया है तो वो देश है भारत। भारत को भी उसने ये ड्रोन दिया है, लेकिन अमेरिका ने इस ड्रोन को भारत को बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम बेचेंगे नहीं आपको, ये ड्रोन हम आपको लीज पर देंगे, इसलिए ये ड्रोन भारत ने लीज पर लिया है अमेरिका से। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश इस ड्रोन को खरीदने के लिए अमेरिका के हथियार बाजार में लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और अमेरिका ने अब तक किसी भी देश के साथ कोई डील नहीं की है। असल में अमेरिका ऐसा करके दूसरे देशों को इंतजार करवा रहा है, वेटिंग लिस्ट में डाल रहा है, और यह करके वो इस ड्रोन की मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहता है। लेकिन सोचिए अगर इस तरह की घटना से इस ड्रोन की नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है, यानी इसकी छवि खराब होती है कि यह तो एक रशियन प्लेन के सामने टिक नहीं पाया, तो इससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होगा, और यही बात आज रशिया भी कह रहा है। इसलिए अब आप यह देखिए कि इस घटना पर रशिया का पक्ष क्या है। रशिया ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उसके फाइटर जेट्स की इस ड्रोन के साथ कोई टक्कर हुई थी, बल्कि रशिया का कहना है कि अमेरिका का यह ड्रोन ब्लैक सी में अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके उड़ रहा था, इसलिए उसके दो फाइटर जेट्स ने इस ड्रोन की सर्विलांस करनी शुरू की, निगरानी शुरू की, लेकिन इस दौरान कोई भी टक्कर नहीं हुई। अब आप सोचिए कि यह ड्रोन ट्रांसपॉन्डर बंद करके क्यों उड़ रहा था। ट्रांसपॉन्डर उस कम्युनिकेशन डिवाइस को कहते हैं जिससे किसी भी हवाई जहाज को ट्रैक किया जा सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा सकता है। यानी यहां रशिया का आरोप है कि अमेरिका का यह ड्रोन अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके उड़ रहा था, जिसकी वजह से वजह यह थी कि इसे ट्रैक ना किया जा सके, इसलिए इसने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद किया, और उसकी गतिविधि संदिग्ध थी, इसलिए उसने अपने दो फाइटर जेट से इस ड्रोन की निगरानी की। इसके अलावा रशिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह ड्रोन अपनी खुद की नाकामी की वजह से क्रैश हुआ है, और इसके लिए रशिया ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं शार्प मैन्यूवरिंग। शार्प मैन्यूवरिंग क्या होता है? जब कोई एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को देखने के बाद हमला करने के मकसद से अपनी पोजीशन को अचानक से बदलने की कोशिश करता है, यानी अचानक से अपनी स्थिति को बदलता है, कट करता है, तो इस स्थिति को शार्प मैन्यूवरिंग कहते हैं, जिसमें कई बार वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है। और रशिया का यही कहना है कि अमेरिका के इस ड्रोन के साथ भी यही हुआ, इसने बहुत शार्प मैन्यूवरिंग की, यानी अपनी स्थिति को तेजी से बदला, और अगर रशिया सही कह रहा है तो इससे अमेरिका के इस ड्रोन की क्षमता पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। इसके अलावा रशिया ने अमेरिका पर दो आरोप और लगाए हैं। पहला ये कि अमेरिका ने ब्लैक सी के आसपास पोलैंड, इटली, रोमानिया और ग्रीस जैसे नेटो देशों में अपने ये ड्रोन जासूसी के लिए तैनात किए हुए हैं, और दूसरा अमेरिका ये दावा करता है कि ब्लैक सी में उसका कोई युद्धपोत मौजूद नहीं है, लेकिन सच ये है कि 14 मार्च को ही यूएस नेवी के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को रोमानिया की तटीय रेखा के पास गश्त लगाते हुए देखा गया था। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अब तक अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, लेकिन अब रशिया ये सबूत दे रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका और रशिया में सीधे टकराव की स्थिति बन सकती है, और अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, और यह घटना कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रशिया में आम लोग इस घटना का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पायलट इन फाइटर जेट्स को उड़ा रहे थे उन पायलट्स को वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, जबकि अमेरिका ने इस मामले में रशिया के राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि अमेरिका ब्लैक सी में अब भी नियमित निगरानी ऐसे ही करता रहेगा।
You know, we are continuing to assess exactly what happened, but I think based on the actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional, and I think the actions speak for themselves. What we saw, again, were fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller on the MQ-9. We assess that it likely caused some damage to the Russian aircraft as well. मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूस की पायलट ने बहुत ही पेशेवर तरीके से काम किया। अमेरिका के ड्रोन से ना तो कोई संपर्क हुआ और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ। उसने खुद ही शार्प टर्न लिया और समंदर में जा गिरा। तो हथियारों का जो बाजार है पूरी दुनिया का, वो परसेप्शन पर चलता है। और जो बड़े बड़े देश हैं हथियार बेचने वाले, वो अपने हथियारों के बारे में, अपने फाइटर जेट्स के बारे में, अपने ड्रोन्स के बारे में, अपनी तोपों के बारे में, जो भी हथियार वो बेचते हैं उसके बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं, और उन दावों पर विश्वास करके दूसरे देश इन हथियारों को मुंह मांगे दामों पर खरीद लेते हैं। लेकिन जब असल में वाकई में इन हथियारों को इस्तेमाल करने का समय आता है, तो कई बार ये हथियार, ये ड्रोन्स, ये फाइटर जेट्स, ये तोपें उतनी अच्छी नहीं निकलती जितना कि इनके बारे में दावा किया जाता है। और अक्सर जब ये नाकाम होती हैं तो इन्हें बनाने वाले देश इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारे सामान का, हमारे हथियार का कोई दोष नहीं है, हथियार बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पर भी अमेरिका यही कह रहा है कि ड्रोन का कोई दोष नहीं है, वो जो प्लेन था वो आया, उसने ड्रोन को टक्कर मारी, उसका प्रोपेलर नष्ट कर दिया, इस वजह से ये ड्रोन नीचे गिर गया। आज संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन था और एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके विदेशों में दिए गए बयान को लेकर सदन में माफी मांगने की मांग कर रही है और विपक्षी पार्टियां अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज की जो खास बात है वो ये है कि विपक्षी नेता और सांसद सारे मिलकर आज ईडी के दफ्तर पर जाकर हंगामा करना चाहते थे, वहां पर धरना प्रदर्शन करना चाहते थे। पहले उन्होंने संसद में धरना प्रदर्शन किया, 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने आज अडानी के मामले पर ईडी के दफ्तर तक मार्च करने का प्लान बनाया था और इनका आरोप है कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इनका इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। तो ये सारे लोग, आप तस्वीर देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाता हूं, सोचिए हमारे सांसद आज एक नए रूप में नजर आए। ये ईडी के दफ्तर तक ऐसे ही मार्च निकाल कर जाना चाहते थे इन बैनर्स के साथ, नारेबाजी के साथ, लेकिन बाद में पुलिस ने इन्हें रोक दिया तो ये ईडी के दफ्तर तक नहीं जा पाए। लेकिन बड़ी बात आज जो कहने की है वो ये है कि शायद इन सांसदों को ये पता नहीं है कि अडानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही जांच समिति बना चुका है, वो जांच समिति जांच कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। ईडी के जरिए जो दूसरे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो विपक्षी नेता भी, उन सब के मामले इस समय अदालतों में हैं और उन्हें जो कहना है वो अदालत में कह सकते हैं। हम आपको तमिलनाडु के उन दो हाथियों के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में इस समय लोकप्रिय हो चुके हैं। आपको ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का नाम अब तक याद हो गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शॉर्ट फिल्म जिन दो हाथियों के जीवन पर आधारित है, उनके बारे में जानने के लिए विदेशी पर्यटक अब तमिलनाडु के उस गांव में पहुंच रहे हैं जहां ये रहते थे। इस गांव का नाम है थेप्पाकाडू और ये तमिलनाडु में नीलगिरी के जंगलों में मौजूद है। इस गांव में करीब 100 वर्ष पुराना एक एलिफेंट कैंप है जहां हाथियों को रखा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री इसी कैंप के दो हाथियों की कहानी है जिनका पालन पोषण इस गांव में रहने वाले एक दंपति ने, एक पति पत्नी ने किया था जो कट्टू नायकन जनजाति के हैं और उनका नाम है बोमन और बेली। इस डॉक्यूमेंट्री में जिन दो हाथियों की कहानी दिखाई गई है उनमें पहले हाथी का नाम था रघु और यह हाथी बचपन में एक घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसकी वजह से वो अपने झुंड से अलग हो गया और इसके बाद बोमन और बेली नाम के इस दंपति ने इस हाथी की देखभाल की और उसकी जान बचा ली, उसे अपने बच्चे की तरह पाला।
इसके बाद इन लोगों ने उसे अपने घर में ही रख लिया और जैसे कोई अपने बच्चे का पालन पोषण करता है वैसा ही रिश्ता इस पति पत्नी का इस हाथी के साथ बन गया। और बड़ी बात यह है कि यह हाथी अकेला था और इस वजह से इन लोगों ने एक और हाथी के बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम है अम्मू और ये एक फीमेल एलिफेंट है ताकि ये दोनों आपस में खेलते रहें, इन दोनों का भी आपस में मन लगता रहे। ये दोनों हाथी कई वर्षों तक उनके घर में बच्चों की तरह रहे लेकिन जब रघु बड़ा हो गया तो वन विभाग ने उसकी देखभाल के लिए उसे एक ऐसे केयरटेकर के पास भेजने का फैसला किया जो इस उम्र के हाथियों की ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर सकता था और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहीं ज्यादा अनुभवी था। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आता है जहां जिस समय रघु को इन लोगों से अलग किया जा रहा है तो वो अपने घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, अपने परिवार को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, इस पति पत्नी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और ये पति पत्नी भी रघु को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। और इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री इंसानों और हाथियों के बीच प्रेम और संवेदना का प्रतीक बन गई और अब इसी रिश्ते को देखने और महसूस करने के लिए दुनिया भर से लोग तमिलनाडु के इस छोटे से गांव में आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज की ये खबर आपकी सबसे पसंदीदा खबर बनेगी और जब आप आज इस खबर को देखेंगे तो रात भर आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे। We came to visit the elephants and then we found out that two of them, Bumi and Raghu, won the Oscar last night. So it's very fortunate that we were able to see them here. So good experience. We heard about the Oscar award winning elephant. And so we have come here to Madhumalai camp, reserve camp, where we've seen the Raghu, the Oscar winning elephant, and Bobby, the other elephant, which is also an amazing one. So this one you can see in the background, the cute one, very cute, you just fall in love with it. नोट करने वाली बात यह है कि ये इस श्रेणी में भारत की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। और यहाँ आपको एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने तो ऑस्कर पुरस्कार जीता ही है लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि इन हाथियों ने भी असल में ऑस्कर अवार्ड जीता है। ये ऑस्कर अवार्ड इन दोनों हाथियों का भी है, इन हाथियों को अपने बच्चों की तरह पालने वाले इस पति पत्नी का भी है। इससे पहले भी भारत की दो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हो चुकी हैं और इनमें से एक द हाउस दैट आनंदा बिल्ट वर्ष 1969 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी जबकि दूसरी जो फिल्म थी उसका नाम था एन एनकाउंटर विद फेसेस वर्ष 1979 में नॉमिनेट हुई थी लेकिन दोनों फिल्मों में से किसी को भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था। अक्सर कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और जो कहानियाँ फिल्मों में दिखाई जाती हैं वो उस समाज को भी परिभाषित करती हैं। कई वर्षों तक हमारे देश की बॉलीवुड फिल्मों में भारतीय समाज का वो चेहरा दिखाया गया जिसमें गरीबी और भुखमरी दिखाई देती है और विदेशों में भी इसी तरह की तस्वीरें ज़्यादा बिकती थीं, इसी तरह की तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलते थे। और यहीं से बात आई कि भारत एक गरीब है, भारतीय समाज बहुत गरीब है और अंग्रेजी में कहते थे इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स। और ये भी एक वजह है जिससे दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की बन गई जिसे गरीबों और सपेरों का देश समझा जाने लगा और पश्चिमी जो देशों के जो लोग थे वो भी इससे बड़े खुश होते थे, उन्हें भी भारत की यही छवि अच्छी लगती थी। कुछ वर्षों पहले तक यहाँ बड़ी संख्या में विदेशों से लोग पावर्टी टूरिज्म के लिए आते थे यानी गरीबी को देखने के लिए बड़े बड़े लोग विदेशों से यहाँ पर आते थे कि देखिए भारत के लोग कितनी गरीबी में रहते हैं। लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और भारतीय फिल्में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर भारत की नई तस्वीर पेश कर रही हैं, नए भारत की नई तस्वीर। उदाहरण के लिए फिल्म आरआरआर के जिस नाटू नाटू गाने को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग चुना गया है उस फिल्म में भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया है और यह फिल्म अपनी परंपरा और संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। और इसी तरह द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री जो है ये भी भारत के लोगों में मानवीय संवेदनाओं के बारे में दुनिया को परिचित कराती है। भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति है जिसमें जंगलों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है,
पानी की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर हम जानवरों की पूजा करते हैं, जानवरों को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह रखते हैं। और इसमें शर्मिंदगी किस चीज की है? इससे पहले लोग इसमें शर्मिंदा हुआ करते थे, लेकिन आज आप देखिए जब हम बहुत कन्विक्शन के साथ यानी विश्वास के साथ अपनी संस्कृति को लेकर दुनिया के सामने जाते हैं और पूरे विश्वास के साथ उन्हें बताते हैं कि ये हम हैं, हमारी असली पहचान यही है, तो फिर पूरी दुनिया तालियां भी बजाती है और पूरी दुनिया सलाम भी करती है। लोग जब पूछते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो असल में वो ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।